नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गोरन जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नई वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मार्च 2018 का पार्ट 1 करवाऊंगा। पार्ट टू भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, अफगानिस्तान में भारत का राजदूत विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो इसमें आंसर आएगा, भारत ने ATGM नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में किया। ATGM नाग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ATGM नाग को किसने विकसित किया? तो इसमें आंसर आएगा, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। इसके अलावा भारत की संगीता ने महिला के 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। भारत के हरप्रीत सिंह ने 82 किलोग्राम ग्रेको रोमन में कांस्य पदक जीता और भारत के राजेंद्र कुमार ने 55 किलोग्राम ग्रेको रोमन में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? तो इसमें आंसर आएगा, ओडिशा सरकार ने मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए योजना खुशी की शुरुआत की। ओडिशा सरकार 17 लाख बच्चों को निशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खुशी योजना की शुरुआत की। इन्होंने खुशी योजना को सरकारी और सरकारी अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड के लिए पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस भारतीय अभिनेता ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, रूस और बांग्लादेश ने किस परमाणु संयंत्र के लिए समझौता किया? तो इसमें आंसर आएगा, भारत, रूस और बांग्लादेश ने रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए समझौता किया। भारत, रूस और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उत्तर पश्चिम बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों को गैर विकट श्रेणी के निर्माण में और स्थापना करने की अनुमति देता है। रोजाटम रूपपुर में 2 परमाणु रिएक्टरों प्रत्येक की 1200 मेगावाट की क्षमता का निर्माण कर रहा है जो बांग्लादेश की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कतर में उद्घाटित IBSF स्नूकर टीम विश्व कप किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, स्नूकर टीम विश्व कप भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को 3-2 से हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल संबंधों पर कौन सी पत्रिका लॉन्च की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत इजराइल संबंधों पर नमस्ते शैलोम पत्रिका लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, विश्व वन्य जीवन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीवन दिवस को दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनकी रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। 2018 विश्व वन्य जीवन दिवस के लिए विषय है, बड़ी बिल्लियों खतरों में शिकारी या बिग कैट्स प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कौन बने? तो इसमें आंसर आएगा, सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान अफगानिस्तान टीम के राशिद खान बने। राशिद खान की उम्र 19 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट के लिए चुने जाने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला कौन बनी? तो इसमें आंसर आएगा, सीनेट के लिए चुने जाने वाली पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला
कृष्णा कुमार कोहली बनी। कृष्णा कुमार कोहली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य में आयोजित 90वें अकादमी पुरस्कार समारोह ऑस्कर 2018 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कौन सी फिल्म ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा ऑस्कर 2018 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड द शेप ऑफ वाटर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू की गई। वर्तमान में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा केवल बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच काम करेगी। थंबी मोबाइल ऐप हेली टैक्सी को डाउनलोड करके सीटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसमें आंसर आएगा कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष है। शपथ मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा दिलवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसमें आंसर आएगा बिप्लब देब ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय ने इनको शपथ दिलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसमें आंसर आएगा नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नागालैंड के राज्यपाल पी बी आचार्य ने इन्हें शपथ दिलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत किसके शुभारंभ की घोषणा की? तो इसमें आंसर आएगा सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सुविधा 100% ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के शुभारंभ की घोषणा की। यह 28 मई 2018 विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर भारत के सभी जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। सुविधा पैड प्रति पैड 2.5 रुपये में मिलेंगे। ये 3200 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश वेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन लॉन्च किया, जो कि महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। ये गुलाबी ड्रेस में तैनात होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है? तो इसमें आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। पैसिव यूथेनेशिया में मरीज की मृत्यु के लिए इलाज बंद किया जाता है या जीवन रक्षक प्रणालियों को हटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें आंसर आएगा उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा विंग्स इंडिया 2018 हैदराबाद में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें आंसर आएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आंसर आएगा आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में हुआ सुल्तान अजलन शाह कप 2018 किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा सुल्तान अजलन शाह कप 2018 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर जीता। अजलन शाह कप हॉकी का एक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पुलिस अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एनएसीपी कहाँ स्थापित हुई? तो इसमें आंसर आएगा एनएसीपी गुजरात के द्वारका जिले में ओखा में स्थापित हुई। यह भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है
यह अर्धसैनिक बलों और रक्षा बलों की बहु एजेंसी टीम द्वारा संचालित की जाएगी। इस अकादमी का उद्देश्य विभिन्न भारतीय राज्यों की समुद्री सेनाओं को के कौशल को तेज करना है। नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग NACP अप्रैल 2018 में कामकाज शुरू कर चुकी है। मैक्सिको में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप 2018 में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया? तो इसमें आंसर आएगा शूटिंग विश्व कप 2018 में प्रथम स्थान भारत ने हासिल किया। भारत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। सहज रिजवी, मन्नू भाकर, अखिल शोरान और ओम प्रकाश मिथरवल ने भारत के लिए 7 पदक जीता। अंजुम बुदगिल ने 1 रजत पदक जबकि जीतू राय, रवि कुमार और मेहुली घोष ने कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई? तो इसमें आंसर आएगा नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में विद्या देवी भंडारी निर्वाचित हुई। विद्या देवी भंडारी दूसरी बार नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। वे 2015 में नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा बेलारूस के लिए भारत के राजदूत के रूप में संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में संजीवनी जाधव ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा 14th एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में संजीवनी जाधव ने कांस्य पदक जीता। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।